तो दोस्तों मौसम है सुहाना और आज गर्माई का इंतजाम पूरा है। तो आपको मन में कैसा आया ये सब करने का? सर देखिए, 2 दिन का लॉकडाउन था, खुद में को कुछ है नहीं, टाइम कैसे काटे। तो हमने आज सोचा, आज सब छत पे बैठते हैं, मौसम का मजा लेते हैं। दूध उबल रहा है, उबल 4 घंटे के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। दूध पियो, बढ़िया बढ़िया मलाई वाला, और गोश्त में उबल रहा है दूध, मस्त। देखो कहां पर उबल रहा है। इस लड़की की बहुत मेहनत है, इसने मेहनत करी है बहुत। ओहो, हाँ दूध गर्म हो रहा है। जाइए वहां जाके देखिए, देखिए देखिए कैसे होता है। नहीं देख लिया है मौसम मैंने। की कम आंच में कैसे होता है दूध, देखिए जाके। गांव गांव वाला स्टाइल पूरा। पिछले साल हमने किया था ये। ओहो, यहाँ पर दूध गर्म करा जा रहा है, आप देख सकते हो। वाह 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 भाई, ये तो फिर अभी इसमें उबाल आना अभी बाकी है, बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। अभी ये बहुत बढ़िया। अभी गर्म भी नहीं हुआ है, जैसे देखा जाए तो। तो कितनी देर में उबलेगा ये? ये 4 से 5 घंटे लगते हैं। 4 से 5 घंटे में इसमें मलाई भी बहुत मोटी हो जाएगी, इतनी तो रजत की मेहनत रंग लाएगी। सुना है इस लड़के की बहुत मेहनत है इस दूध को इस अंजाम देने के लिए, तो आपने क्या मेहनत लड़का करी है? लड़का भाग भाग के सामान ला रहा है, एक सारा आवाज सामान पे लाए हो आप? क्या क्या लाए हो आपका बताओ। नाम बताओ। हन्नू? नहीं, जशित जशित चौधरी। जशित चौधरी, हम तो हन्नू बोलते हैं तेरे को। अच्छा, निकनेम है ना हन्नू। हन्नू निक नेम है। चलो तो ये दूध हमें पीने को कब मिलेगा? अब से ठीक 4 से 5 घंटे बाद। 4 से 5 घंटे बाद। तो दोस्तों जब आपको हम दूध सिर्फ एक पिएंगे गिलास, तो आपको क्योंकि पीते हुए दिखाएंगे क्योंकि कि क्योंकि क्या मजा क्योंकि आएगा इसका दूध मेन पीने मकसद में। है इसका छाछ बनाना, गांव वाली छाछ। इसमें अच्छा, से इतना मक्खन करीब निकलेगा, इतना कह के इतना मक्खन, क्योंकि अमूल दूध तो का। दोस्तों हम बरसात के मजे लेते हैं और आप भी बरसात के मजे लीजिए। मौसम आपको दिख सकता है कितना बढ़िया है आज, और सब जगह बारिश ही बारिश, पूरे दिन से बारिश हो रही है। ओ तो एक और शरारती लड़का आ गया। अरे ये क्या मतलब, सर पर टॉपी वॉपी पहन के वो पबजी प्लेयर बन के आया? ये तो पूरा पबजी प्लेयर बन के आया, ये तो पूरा भाई गोली वोली मार देना। इससे अपना चैनल स्टार्ट करेगा तो कैसे इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप को? कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? चलो एक काम करो, आज से सुनो रिदू रिदू रिदू, अरे आप यूट्यूब पे आओगे यार। अरे ये देखो, हाँ सुनाओ ना, तो ये बताओ कि समझ लो ये चैनल हमारा चैनल जो शुरू हो रहा है, आज पहला व्लॉग है, आप इसके लिए चलो वो करके दिखाओ, लोगों को बात करके दिखाओ कैसे बात करोगे। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर माय न्यू चैनल पबजी, और मैं आज फिर से बन के आया हूं पबजी मैन। और ये तो दोस्तों इसने इतने बढ़िया तरीके से आप लोगों को कहा कि यह नया चैनल शुरू हो रहा है, तो आप इसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है रिद्धू? तुम्हारे लिए चैनल लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे, यूट्यूब पे तो डालो, क्या करेंगे ये तो बताओ। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, है ना? क्या दिखाओ, व्लॉग शूट हो रहा है, दिखाओ कुछ तो बोल के दिखाओ। नहीं नहीं जो आपको देख रहे हैं उनके बारे में तो कुछ बोल लो बाबू, जो आपको देख रहे हैं उनके बारे में तो कुछ बोल लो। ये देखिए मेरे अन्नू भैया पागल मेरे को देख रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलते। ये देखो आग जल रही है। और क्या हो रहा है? बर्फ गिर रही है। कहाँ गिर रही है बर्फ? कहीं पर गिर रही है, गिर रही है ना? कहाँ गिर रही है? तो पानी गिर रहा है। आपको मारना है। अब डाल रहे हो या गर्म कर दो इसको? ध्यान से रात में चलना एकदम। जल जाओ। उठा 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 उसको, उसको उसी को दे, उसी को दे, पास में जाके ऐसे डाल दो। ओए ओए ओए, लगी 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 लगी, पीछे 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 पीछे, थोड़ी देर, ओ भाई, ओ भाई, अब शाह उठ जाएगी, ओ भाई, देख गोसो ने हाथ पकड़ लिया, ओ उठने वाली है, एकदम से चलेगी, देखा अरे तू। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ पर शिव कुमार शर्मा खड़े हैं, और ये कोरोना पॉजिटिव है इसलिए दूर दूर हैं, और इनका कोरोना आ गया है बिना किसी सिम्टम्स के। इनको ना खांसी है ना जुकाम है, लेकिन फिर भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको दूसरी बार कोविड पॉजिटिव हो गए? पहले से बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो तो आराम करो तुम, आराम के बाद फिर जो है फिर पार्टी करना। अभी तुम थोड़ा सा आराम करो और मौसम के मजे लो। देख देख पेट को खाने से भरो ना, मोबाइल से मत भरो।
बेटा भी है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो दूध देखता हूँ कैसा हो रहा है। ओहो, दूध में उबाल आ गया है। तो दोस्तों हमारे घर के बराबर में मंदिर है यहाँ पर, और ये हमारी छत है पूरी जहाँ पर आज हम दूध गर्म कर रहे हैं। और यहाँ से पीछे की तरफ पूरा बाज़ार दिखता है, लेकिन आज जो है कर्फ्यू की वजह से सब बंद है तो खाली पड़ा है। ये बरार में एक स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, 12th तक का आर्य समाज स्कूल। और ये सामने ये भी मंदिर है, ये जैन मंदिर है, ये हमारा मंदिर है लंगड़े बाबा का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। नहीं लगी हुई है, जो भी है ज्यादा मत छेड़ना। बारिश बंद होते ही अभी चिंता रखी थी, अब बारिश आ गई और फिर दोबारा उतार लिया। तो बल्लू बल्लू फिर से करो एक ही बार। और एक कालू बहुत हवैया बन रहे हैं, चतुर्भुतैया इनके भैया, चतुर्भुतैया नीचे बैठे हैं कमरे में अकेले देख रहे टीवी, टीवी नहीं फिल्म देख रहे, फिल्म भाई मोबाइल इज टेलीविजन ना जले यार, जले ही नहीं ऐसे। मैं कह रहा हूँ पेपर लगा, अरे क्यों नहीं जलेगी यार, हो गई बस जल गई आग। क्या मौसम हो गया, अब आ मजा दे, आएगा मजा। ये ना पता है आँच इसमें ना जगह ज्यादा नहीं है, इसमें आँच में मजा आ गया। लो मैं खाना दे दो, तो दोस्तों हमारा खाना आ गया है, हम खाना खाते हैं और खाना खा के आपको बताते हैं कैसा स्वाद था खाने का। सर वो मेरी आई है, नहीं आई है ये रखी, ये देखो ये लड़का खाना खा रहा है, अभी हमारा भी खाना हो गया है। अपनी बताओ क्या क्या खा रहे हो, क्या क्या है खाने में? रोटी साग एंड गुड़, रोटी साग एंड गुड़। ये लड़का गुड़ बहुत खाता है, लेकिन है बैड बॉय, गुड़ खाने के बाद भी खाता गुड है ये बैग। करण के बारे में शक मत करो, शक क्यों क्यों मत करो शक, मतलब ये इसका मतलब है अच्छा बच्चा हूँ, ये हम आप अच्छे बच्चे हो और ये अच्छे पापा हैं। यस यस कल बता देते रहो बढ़िया। और ये देखो ये है हमारे हनु भैया, ये देखिए हमारे हनु भैया, और मैं, और ये है हमारे आशुताओं जी, ये सब अच्छे हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छे हैं। अरे मैंने क्या बोल दिया, मतलब सब गंदे हैं और हनु भैया पूरे वर्ल्ड फेमस में अच्छे हैं। अरे यहाँ मेरे पास, और मैं कह रहा चाह रहा था गाइस हमारे चैनल पे सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट में बताना कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक ले बाय 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 बाय। और ये हमारी दूध करने गर्म करने की कला, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, गजब। कलर देंगे सर आप इसका, कलर पीला हो गया कलर है ना। हाँ हाँ दाल मोड भी आ गए हैं, चलो जी लाओ। ये तो रात का मामला कर दिया तुमने, उसको भाई मैं जाऊंगा जाऊंगा दाल वो ये कहा क्या क्या करे क्या करे दे क्या बिल्कुल नहीं पहले खा ठीक है आते देखो और बता क्या है। मैं क्या हूँ? नॉन वेज नहीं है ना? नहीं 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 बेटा नॉन वेज नहीं। ये क्या है? क्या ये?
मैं आ गया। भैया ने भी खाया, बता भाई कैसे? हाँ, खा के बता कैसे, खा के बता। तू तो डरता है ऐसे चीज खाने से, तो मैं तेरे को पता नहीं क्या खिला रहा हूँ। अब बताओ है क्या ये बेटा, वो जो होती है दोस्तों, आपको बताओ अगर ये क्या है तो नीचे वीडियो में कमेंट करके बताना, और आपने कब खरीदी ये भी बताना। भैया खाने दो, खाओ 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 खाओ। तो दोस्तों अभी मैं शाम को थोड़ा ऑफिस के काम के लिए चला गया था, और अभी हमारा बन रहा है यहाँ पर मटन, मटन बनाने की तैयारी हो रही है। रजत मटन बनाएगा, मटन बनाएगा, मटन यार। यही पता हवा कितनी मस्त चल रही है यार। मुझे ना इसको इधर कर दे यार, पता क्या आज सुबह से ना 9 बजे से ही हूँ छत पे, 9 बजे से मेहनत कर रहा लड़का यार। सुबह लिया नहीं क्या कल, मैं सब सब जाके लिया आएगा तो काम बढ़िया हो जाएगा, क्लस्टर रहेगा तब तक फायदा। दूध मैंने करी है, हैं चमन करी है, चल नहीं करी उसने, तू तो कर दे। मैं क्यों करूँ, तू ये पता कर का मैंने से पहले बोला था तू अगली अपना पी तो मटन में ले आया, तो तू बोले समझा रहा, मैं समझा रहा बैठ गए मटन में ले आया तो तू बोले क्या हो गया, इसमें लड़ने की बात ही नहीं बाबू। आम यू खाना चिकन मटन ले आया तू? नहीं मैं ले आया, मैंने कहा मटन पसंद है तेरे को, लास्ट टाइम कहीं कहीं से हो गया। तो दोस्तों अभी माहौल ये है कि अभी हम यहाँ पर, मैं नहीं रजत मटन बनाने वाला है, तो रजत अपनी कलाकारी दिखाएगा खाने में। तो रजत आपको तो शौक है, आगाज हो चुका है, आगाज हो चुका है। इसने आलू भी यहाँ पर, इस आलू को भी इसमें गर्म कर दिया है गोसे में। ओ क्या हो गया, चल गया, गर्म था बहुत आयत मात्रा में गर्म था। हाँ मुझे पता कालू लेकिन तो हमारा मटन बनाने का सामान सारा आ गया है। दिखाओ तो सामान, दो मिर्च वीच प्याज व्याज आ गई, और ये नखरीली लड़की की तरह जो उन्होंने अभी करा। कालू भैया मुझे आप जो है ना एक आसन दे दो, मैं प्याज छील लो मेरे तो आप भरवा भरवो के। ये मटन कैसे बनाया जाता है इतनी प्यार स्टाइल में, आप देखना और इंजॉय करना। मैंने मंगा ली, और अभी रजत प्याज काट रहा है, प्याज काटने इसकी अपनी रेसिपी है। छल्ले छल्ले वाली प्याज, कौन सी वाली प्याज? हाँ लच्छे वाली, लच्छे लच्छे वाली। ये है मिर्च, ये है कुकर, उसका एक कारण के अंदर है ऐसे प्याज काटने का मटन, वो है मसाले ये, और सिलेंडर वो रहा, टमाटर लहसुन और बाकी चीजें ये रही। और अब शेफ तैयार है खाना बनाने के लिए। हाँ भाई जी सर बताएं। तो ये आपने रेसिपी कहाँ से सीखी थी? सर कुछ तो शौक होता है और कुछ हम यूट्यूब पे लगे रहते हैं पूरे दिन, लॉकडाउन की वजह से टाइम मिल जाता है। जो तुमने सीखा है वहाँ से? सीखा मैंने पहली बार जो सीखा था वो मुझे सिखाया था खुद की भूख ने, जब मैं बाहर गया था अपनी कंपनी की तरफ से, तो मुझे वहाँ रहना पड़ा था, और वहाँ रहा तो शौक भी था, कभी मम्मी करने नहीं देती थी, डांट पड़ती थी कि किचन में गंदगी फैला दी है वो फलाना ठिकाना। तो जब मैं यूएस गया तब मैंने अपना वहाँ शौक पहली बार आजमाया, तब मैंने वहाँ पहली बार बैंगन का भरता बनाया था, वो भी इंडक्शन पे, और स्मोक अलार्म जो था वो बच पड़ता था, इतना धुआं होता था, वो हम हटा के रख देते थे फ्रीजर के अंदर स्मोक अलार्म। तो उसके बाद मैंने फिर वहाँ पर, आप यकीन नहीं मानेंगे, यूएस के अंदर मैंने वहाँ से योगर्ट खरीद के कड़ी बनाई थी, और वो इतनी शानदार कड़ी बनी थी कि जो मेरी मैनेजर से भी ऊपर लेवल की एवीपी थी उसने बोला कि यूएस में कड़ी पहली बार खाई है और शायद आखिरी बार। वो भी इतनी बढ़िया है, वो भी इतनी बढ़िया। और ताजे ताजे पेशेंट हैं और कैसे कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ भाई इधर देखो, इधर देखो, ये जो है कोरोना को पॉजिटिव है, और ये जो है आमलेट खा रहे हैं यहाँ पर, अपनी कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं। ये जाने की कगार पे आ गया। कालू परेशान हो रहा बहुत देर से।
तो मटन हमारा तैयार हो गया, बनना शुरू। तो ये गई प्याज, ओहो छोक लग गया बहुत मजेवार। तो अभी टमाटर जो डाल दिए गए हैं और टमाटर के छिलके इसमें निकाल दिए गए हैं। देखो जल्दी निकाल भाई, गल लगना जाए। थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर से अगर लोगे तो कलर ऐसे दिखा सकता हूँ मैं आपको। वाओ लग तो देखने से अमीर है। बनाओ बनाओ। अब जो है हमारी मटन के अंदर अभी सीटी लगनी है दो, और दस मिनट में दो सीटी, तीन सीटी लग जाएगी और उसके बाद हमारा मटन हो जाएगा तैयार। आपको मटन तैयार होने के बाद आपको मटन तैयार होने के बाद दिखाएंगे रेडी कैसा लगेगा। और मटन बनाया है हमारे रजत भाई ने 10 मिनट्स में 3 पीसल्स। ठीक है, हो जाएगा तैयार मटन। रेडी होते आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे मटन कैसा बनाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट तो जरूर कर देना कि मटन कैसा लगा आपको देखने में। हमने बनाया, मेहनत करी है, बनता है का एक कमेंट बनता है। बिल्कुल कमेंट तो बनते हैं, कमेंट जॉइंट फैमिली में रह के हमने ये काम करा है। यस मिली मिले जॉइंट फैमिली, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक कमेंट तो बनता है। आजकल हर कोई नहीं रहता है जॉइंट फैमिली में तो एक कमेंट बनता है। तो दोस्तों मटन बनाए बहुत बढ़िया। अभी जो है रजत खा रहा है मटन और ये रहा मटन बचा हुआ और ये रही रोटी। और हम आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में। तो दोस्तों अभी इन्होंने खाया है, मैंने अपना खाना ना खा के और अभी हम छोड़ जा रहे हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, गुड नाइट।